हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था फोबिया से रिलेटेड, डर से रिलेटेड। उसमें मैंने आपको 15 ऐसे फोबियाज के बारे में बताया था जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। वो तो कॉमन फोबियाज थे, पर आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोगों को ऐसे अजीबो गरीब फोबिया होते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था, आपने भी नहीं सोचा होगा। कौन कौन से हैं ऐसे फोबिया, चलिए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कुछ ऐसे ही स्ट्रेंज वियर्ड फोबिया जो लोगों को होते हैं, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं स्ट्रेंज एंड वियर्ड फोबिया के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। पैसा होना किसे अच्छा नहीं लगता, धनवान होना, रिच होना, वेल्दी होना सब चाहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रिच होने से या उनके पास अगर पैसा हो तो इस सोच से ही उन्हें डर लगता है, और ऐसी फोबिया को बोलते हैं लूटोफोबिया। लूटो दैट मींस वेल्थ, तो द फियर ऑफ वेल्थ ये कहलाता है लूटोफोबिया। है ना बहुत अजीबोगरीब फोबिया। कौन चाहेगा कि उसके पास पैसा ना हो, वो अमीर ना हो, पर कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनके पास पैसा ना हो, उनके पास कोई वेल्थ ना हो, तो ऐसे डर को बोला जाता है लूटोफोबिया। अब सोचिए कुछ लोगों को डर होता है कि वो अपनी आंख ना खोलें, द फियर ऑफ ओपनिंग द आईज, और ये कहलाता है ऑप्टोफोबिया। आई एम श्योर आपको ये फियर नहीं है, अदरवाइज आप ये वीडियो कैसे देखते। ऑप्टोफोबिया जिन लोगों को होता है, बहुत रेयर स्ट्रेंज फोबिया है, वो नॉर्मली घर के बाहर जाना पसंद नहीं करते, सनलाइट में जाना पसंद नहीं करते, घर में अपने दिनचर्या के काम ही पूरा करते हैं। उनको अपने डेली रूटीन के काम करने में भी प्रॉब्लम होती है, पर वो कर लेते हैं किसी तरह से। तो द फियर ऑफ ओपनिंग द आईज इज नोन एज ऑप्टोफोबिया। हंसना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इससे हमारा मन शांत होता है, हमें अच्छा लगता है, इनफैक्ट हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं उन्हें भी अच्छा फील होता है। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हंसी से डर लगता है, जो हंसना नहीं चाहते। द फियर ऑफ लाफ्टर इज नोन एज जीलियोफोबिया। यस, दुनिया में इस तरह के भी लोग हैं जो हंसना नहीं पसंद करते, जिन्हें हंसने से डर लगता है, तो ऐसे डर को, ऐसे फियर को बोलते हैं जीलियोफोबिया। आपने फियर ऑफ कलर्स के बारे में तो पढ़ा ही है, पर अगर वो फियर किसी एक पर्टिकुलर कलर के लिए हो तो क्या कहेंगे। कुछ लोगों को येलो कलर से फियर होता है, जो पीला रंग होता है ना उससे कुछ लोग डरते हैं, इस फियर को बोलते हैं ज़ेनेटोफोबिया। अब येलो कलर हर जगह पर दिख जाता है, जैसे स्कूल की बसेस भी येलो होती है तो वो उस बस को देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो पीले रंग की होती है। सो द फियर ऑफ येलो कलर इज नोन एज ज़ेनेटोफोबिया। द फियर ऑफ नंबर्स ये कहलाता है एरिथोफोबिया, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था द फियर ऑफ नंबर 13, पर कुछ लोगों को नंबर 8 से भी डर लगता है। यस, उन्हें नंबर 8 से डर लगता है, चाहे वो किसी नंबर प्लेट पर लिखी हो, एड्रेस पर 8 आया हो, या किसी का बर्थडे 8 हो, कुछ भी रीजन हो सकता है कि उनके साथ पहले 8 तारीख को कुछ घटना घटी हो जिसकी वजह से उन्हें डर लगने लगा हो, वट एवर इट विल बी, पर द फियर ऑफ नंबर 8 इज नोन एज ऑक्टोफोबिया। ऑक्टोफोबिया इसी तरह से फोबिया ना होने का डर, द फियर ऑफ फोबिया ये भी एक तरह का फोबिया है कि लोग चाहते हैं कि उन्हें डर ना हो। द
फोबिया से ही डर लगता है उन्हें, डर से डर लगना, तो ये कहलाता है फोबोफोबिया। फोबोफोबिया ये भी एक अजीब और करीब फोबिया है, पर आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि इसे क्या कहते हैं। द फियर ऑफ फोबिया इज नोन एज फोबोफोबिया। काश मुझे काम ना करना पड़ता, ये तो मेरी चॉइस है, काश। पर कुछ लोगों को काम करने से डर लगता है, वर्क प्लेस से डर लगता है, और ऐसे डर को द फियर ऑफ वर्क या वर्क प्लेस इज नोन एज एर्कोफोबिया। एर्कोफोबिया, अब लोग किस लिए डरते हैं पता नहीं, इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, पर शायद फेलियर से डरते हैं, या उनको डर रहता है कि वो काम सही नहीं कर पाएंगे, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। पर इस तरह के फियर को, तो फियर ऑफ वर्क या वर्क प्लेस को हम कहते हैं एर्कोफोबिया। अब अगर लोगों को तारों से भी डर लगने लगे, तो तारे देखना किसे पसंद नहीं होता, कुछ लोगों को तारों से भी डर लगता है, तारे देखना पसंद नहीं करते वो, और इस डर को द फियर ऑफ स्टार्स इज नोन एज साइड्रोफोबिया। साइड्रोफोबिया, आपको तो ये नहीं है ना, आपको तो तारे देखना पसंद है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब कुछ लोगों को सोने से भी डर लगता है, ये नॉर्मली हेल्थ इशू से रिलेटेड हो सकता है, पर सोने से डर, हाँ कुछ लोगों को लगता है। द फियर ऑफ स्लीप इज नोन एज सोमनीफोबिया। सोमनीफोबिया, मूव करते हैं आज के अपने लास्ट फोबिया की तरफ, जो कि और भी ज्यादा वियर्ड और स्ट्रेंज है। सक्सेस होना लाइफ में बहुत अच्छी बात है, सभी को अच्छा लगता है, पर फेलियर को भी उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए। पर कुछ लोगों को फेलियर से डर लगता है, वो असफल नहीं होना चाहते। द फियर ऑफ फेलियर इज नोन एज केकोराफायोफोबिया। ये है हमारा आज का लास्ट वियर्ड स्ट्रेंज फोबिया। केकोराकायोफोबिया ये कहलाता है द फियर ऑफ फेलियर। लोग फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, डरते हैं उससे, इसीलिए वो काम नहीं करते। तो ये है आज का हमारा लास्ट फोबिया, और आज हमने सीखे 10 ऐसे फोबियाज जो कि बहुत स्ट्रेंज हैं, कॉमनली नहीं मिलते हैं, और बहुत वियर्ड भी हैं। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आऊंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।